14, 10, 73, C, 6, Power 1, Vasant Vihar, New Delhi, Makan, Shri H.S. Gupta. Ye satsang is Holiness, Shahinshah-e Alam, Param Sant, Param Dayal, Maal ke Kul, हजूर फकीर साहेब फरमा रहे हैं, आप इसे प्रेम पूर्वक सुने और लाभ उठाएं। मौज मालिक राधा स्वामी। आप लोगों को या संसार को बताने से कुछ बताने से पहले मैं अपने आप से ये पूछता हूं कि तूने क्या किया जिंदगी में, तू क्या करता है। मैंने लिखते जा लिखते बोलते बचपन से किसी चीज के मिलने की तमन्ना मुझे ही नहीं हर एक को, कोई दौलत चाहता है, कोई इज्जत चाहता है, कोई धन चाहता है, कोई पुत्र चाहता है, कोई ईश्वर चाहता है, कोई मुक्ति चाहता है, कोई निजात चाहता है, कुछ न कुछ चाह हर एक आदमी के अंदर मौजूद। मेरे अंदर भी थी, ये नहीं कि मुझे दुनिया की चाह नहीं थी, मगर मुख्य चाह ये थी कि मेरा आद घर कहाँ है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा परमात्मा कहाँ है, इस खबर में मैंने जिंदगी गुजारी। किस्मत मेरी इस सिलसिले में काफी अरसा रोने के बाद दाता दयाल के चरणों में 1905 में ले गई थी। उन्होंने मुझे ये काम दिया था। तो उस काम के सिलसिले में गुरु आज्ञा बस या अपने तजर्बे के बस में मैं सत्संग कराता रहता हूँ, टेप रिकॉर्ड लिखता हूँ, किताबें लिखता हूँ। कई दफा मैं अपने आप को संत सदगुरु कह देता हूँ। तो मैं पूछता हूँ कि तू अगर संत सदगुरु है तो क्या देना चाहता है। आज स्वामी जी का शब्द, दाता का शब्द सुनाता हूं, पढ़ो। गोरे हुए संसार में परे गटे, गुरु से ज्ञान लो, छोड़ दो पाखंड को, गुर मत की महिमा जान लो। अब ये एक सवाल मैं अपनी आत्मा से, ये तो पता होगा दाता दयाल को कि उन्होंने गुरु मत को क्या समझा, मुझे नहीं पता। वो क्या ज्ञान दुनिया को देते थे ये उनको पता होगा। हर एक आदमी की जरूरतें आशाएं अलग-अलग हैं।
तो हर एक आदमी हर एक किस्म की आशा पूरा करने के लिए अलहदा अलहदा ज्ञान है, अलहदा अलहदा समझ है, अलहदा अलहदा उसका अमल है और उसका तरीका है। समझ रहे ना? तो गुरु ज्ञान क्या है? जिससे हमारी मन की को तस्कीन मिले और शांति मिले और आनंद मिले। अब हमको शांति या आनंद या अपनी इच्छा को पूर्ण करने का कि जो इच्छाएं हैं वो हर एक आदमी की, हर एक मुल्क की, हर एक परिवार की अलग-अलग अलग है। इसलिए उनके लिए जो तजवीज है, जो तदबीर है, वो बिल्कुल अलग अलग है। एक ही तरीका सबके लिए नहीं है। इस वास्ते दो किस्म के सत्संग हैं। एक तो जनरल सत्संग, आम, जिस तरह हेल्थ डिपार्टमेंट होता है, हेल्थ का महकमा होता है ना, उसमें दो डिपार्टमेंट होती है, एक जनरल हेल्थ का और एक अस्पताल। हेल्थ डिपार्टमेंट में वो बातें बताई जाती हैं कि बीमारी पैदा ना हो, सफाई रखी जाए, ऐसी वैसी बातें। और डॉक्टर अस्पताल में जो बीमारी हो उसके लिए टीके लगते हैं, कांट चांट होती है, दवाइयां दी जाती हैं। इस वास्ते गुरु की महिमा है। गुरु क्या करता है? हर एक आदमी के भिन्न भिन्न तकलीफात, जरूरियात, उनकी हाजात के मुताबिक उनको हिदायत करता है या ऐसी तजवीज बताता है कि उनकी वो मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं, उनको खुशी मिले या उनको शांति मिले। ये दाता दयाल किया करते हैं। मुझे और गुरुओं का पता नहीं कि वो क्या करते हैं। मेरे साथ जो दाता दयाल का व्यवहार हुआ, जो कुछ मैंने उनको देखा, वो मुझे और हुक्म मिला। मेरे छोटे भाई को जब वो नाम बच्चा था, नाम दिया, उसको कहा, नाम दे दिया, जपना नहीं, क्या करना तेरे वास्ते जिंदगी के मैंने काम और काम के मैंने जिंदगी है। पिछली उम्र आ जाएगी, मेरी गोद में आ जाएगा। और वही हुआ, इतनी तरक्की की उसने, ट्रैफिक मैनेजर हुआ, राय साहब हुआ, 2,500 रुपए तनख्वाह लिया, अब विरक्त हो गया। मेरी औरत दुखी रहती थी, उसको ये हुक्म दिया था कि जो तुमको एक ताना दे उसको 16 गिन के सुनाया करो, खाए फकीर चंद भी क्यों ना हो। ये मैं गुरु की महिमा बता रहा हूं। दाता दयाल कश्मीर में गए, वहां एक भास्कर नाथ है, उनके घर में 1932 में सत्संग हुआ, तमाम कश्मीरी पंडित इकट्ठे हुए। वहां उन्होंने कहा, हिंसा परमो धर्म, सत्संग शुरू करने के पहले मैं कह देता हूं ना राधा स्वामी, तो दाता दयाल ने कह दिया हिंसा परमो धर्म। तो भास्करनाथ कहता है, महाराज अहिंसा परमो धर्म है, हिंसा परमो धर्म नहीं। वो कहते हैं नहीं, तुम्हारे वास्ते हिंसा परमो धर्म है।
क्यों? तुम पर मुसीबत आने वाली है। हिंदू मुसलमानों का वहां झगड़ा था, दुश्मनी, संगठित करो, मरो और मारो। और वही हुआ, महीने के बाद वहां झगड़ा हो गया, वो संगठित हो गए। औरतों को उनको कहा जेवर मत पहनो, बुरके मत लो, सलवारें और कमीजें पहनो, यहां छुरे रखो। एक स्वामी गोविंद कौर हैं, वो अब मर गए, वो श्रीनगर में गुरु मत की प्रचार करते थे। वो नाम लेने के लिए आए, चेला बनने के लिए आए। दाता ने कहा एक शर्त पर चेला बनाता हूं, क्या? तुम्हें मुझसे परमार्थ के लिए कोई सवाल नहीं करना, कोई सवाल नहीं करना। सवाल क्या करना? बैठे रहो, मेरा सत्संग सुनते रहो, बस और कुछ नहीं। ऊप सिंह क्या देखता? तुझको मैं आसमान पर ले जाता, दसवें मंजिल पर ले जाता, अगर तू आज्ञा का पालन कर। अच्छा, एक कुबेर नाथ है वकील, वो भी सत्संगी है। उसको ये हुक्म है जिस काम के करने में तुमको रुकावटें आए, अड़चन पड़े, मुसीबतें आए, तुम समझ लो कि वो तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। तो गुरु जब संसार में प्रकट होते हैं वो समय के मुताबिक होते हैं, वक्त के लिहाज से होते हैं। कुदरत में ये नियम है, जहां जैसी जरूरत होती है वैसी चीज पैदा हो जाती है। जब गर्मी ज्यादा पड़ जाती है लोग तंग आ जाते हैं, अंधेरियां चल पड़ती हैं, मी आ जाते हैं। ये कुदरत का कानून है। ये जो गुरु जब प्रकट होते हैं ये कानून है, कुदरत के हिसाब से प्रकट होते हैं। नियम है कुदरत का। तो यहां आज सवाल निकला, पढ़ो पहली कड़ी। गोरे हुए संसार में पर गए गुरु से ज्ञान लो, छोड़ दो पाखंड को गुरु मत की महिमा। गुरु मत क्या है? गुरु नाम है ज्ञान का, गुरु नाम है समझ का, गुरु नाम है विवेक का, गुरु नाम है अनुभव का। उसको समझ। आजकल दुनिया में गुरु मत का जोर है, निरंकारी गुरु, राधा स्वामी मत के गुरु, कबीर पंथ के गुरु, शंकराचार्य के गुरु, फिर शिवानंद के चेले, रामकृष्ण परमहंस के दायरे के गुरु। गुरुओं का तो आजकल ढेर लग गया। इस दशा को देखकर, क्योंकि ये गुरु मत जो कुछ मैंने समझा, क्योंकि मेरे जिम्मे ये ड्यूटी थी, इसलिए मैं हौसले से कहता हूं कि इस वक्त का जो गुरुइज्म है ये पाखंड का जाल है।
इस वक्त का जितना ये गुरु मत है सिवाय खास और खास के सब जगह पाखंड का जाल है। हम लोगों को अपने जाल में फंसाया जाता है गृहस्थियों को। क्यों मैं कहता हूं, मैं ये क्यों कहता हूं, तुम लोगों के अंतर या दूसरों के अंतर मेरा रूप प्रकट होता है। अफ्रीका में, अमेरिका में, यहां यहां यहां, और मैं नहीं होता। कौन होता है ये हर शख्स का अपना विश्वास है और अपनी श्रद्धा है या अपने कर्म है। तो सब जीव के अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा, अपना कर्म, मगर हम महात्मा लोग उसका नाजायज फायदा उठा करके तुम लो हम गृहस्थियों को बेवकूफ बना के गलत तरीके से लूटते हैं और इनको, इंसानी नस्ल को भिन्न भिन्न पंथों में, भिन्न भिन्न मजहबों में, भिन्न भिन्न तरीकों में बांट दिया है और हमारा आपस में प्रेम नहीं रहा। मैं चूंकि अपने आप को संत सदगुरु वक्त कहा है, तीन सत्संग मैंने दूसरे पर दिए, जिन्होंने सुने उनको पता होगा मैंने क्या कहा। आज ये चौथा सत्संग दिल्ली में देता हूं और उसका सबूत देता हूं। मुझे थोड़े दिन हुए उस अक्टूबर दूसरे के सत्संग के बाद मेरे पास चिट्ठी आई, एक हजारी सिंह है सूबेदार, उसकी चिट्ठी आई। उसका सारांश तुम इसको पढ़ के मतलब समझा दो सबको, वो चिट्ठी में मुझे क्या लिखता है। मतलब समझा दो यहां देखिए, मतलब समझा दो। मैं 9 महीने से त्रिवेंद्रम में हूँ, 4 महीने से अपने बच्चों को भी साथ में रखा हुआ है। मेरे साथियों के साथ मेरा विचार धनुषकोटी देखने को जाने का हुआ। मेरे अफसर ने 2 गाड़ियां भी मंजूर कर दी। हम उस गाड़ी से त्रिवेंद्रम के लिए सुबह 5 बजे रवाना हुए। रास्ते में मेरे मन में ये ख्याल आया कि शायद आज हम लोग नहीं पहुंच पाए, और वो ख्याल मैंने आपसे प्रार्थना की कि आप रक्षा करना। मुझसे प्रार्थना की कि मैं रक्षा करूं। कारण इसका ये था कि पिछली गाड़ी का ड्राइवर, जिसमें जनानी सवारियां बैठी हुई थी, वो गाड़ी चलाता था और पीछे जनानी सवारियों की तरफ बार बार देखता था, इसलिए मेरे को ये डर हो गया था। जब मैंने 20 मिनट बाद फिर पीछे देखा तो उसकी यही हरकत देखी तो मेरा शक और भी ज्यादा पक्का हो गया। उस वक्त आपने अपने मेरे घट में प्रकट होकर कहा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, सामने देख। उसी समय हमारे ड्राइवर का हाथ बहक गया और हमारी गाड़ी 4 चक्कर खा करके नीचे गड्ढे में जाकर गिरी। वहां मैं इंजन के नीचे और मेरे नीचे मेरा छोटा बच्चा छाती के नीचे दबा हुआ पड़ा था। इसके बाद में पीछे जो गाड़ी हमारी एक और आ रही थी, उन लोगों ने हमारी गाड़ी को उलटते हुए देखा तो अपनी गाड़ी रोककर जब नीचे आए, नीचे आने को हुए तब उनको ये विश्वास नहीं था कि कोई भी जिंदा बचा हो। उनके ख्याल में हम सब मर गए थे, लेकिन
ताकत लगा करके और गाड़ी को जब सीधा किया तो कोई भी मरा नहीं था, सिर्फ मेरी छाती की चार रीबें टूट गई थी और कमर में सख्त चोट थी। ख्याल ये था कि मिलिट्री हेडक्वार्टर पर खबर करके वहां से एम्बुलेंस और गाड़ी मंगवा करके हॉस्पिटल सबको ले जाया जाए और फर्स्ट एड दिलवाई जाए, लेकिन उसी वक्त दो टैक्सियां वहां पर आ गई, उसमें तमाम लोगों को डाल करके हम लोगों को सिविल हॉस्पिटल ले गए, वहां हमको एडमिट कराया गया। सब लोगों को फर्स्ट एड मिली, सिर्फ छह आदमियों को वहां एडमिट रखा, मेरे को और एक और को ज्यादा सख्त चोट थी। मैं हाय बाबा करता था। आप रात को मेरे पास 12 बजे आए, मैंने आपसे कहा बाबा मेरी छाती में और कमर में बहुत दर्द है, आप यहां कुछ दबा दीजिए। आपने कुछ देर तक मुझको दबाया, उससे मेरा दर्द 50% ठीक हो गया। मैंने और भी लोभवश कहा कि थोड़ी देर और दबाइए, तो आपने कहा यहां दूसरे पेशेंट्स की नींद खुल जाएगी, अब तुम भी सो, मैं जाता हूं, तुम ठीक हो जाओगे। उसी वक्त मेरी औरत मेरी तकलीफ से बहुत परेशान होकर आपके फोटो के सामने अगरबत्ती लगाकर और एक रुपए का प्रसाद कैंटीन से मंगाकर बैठी हुई आपसे प्रार्थना मेरी सेहत के बारे में कर रही थी, तो आप तीन मंजिले मकान की को चढ़ करके, क्योंकि रास्ता बंद था, खिड़की के रास्ते से उसके पास गए और आपने उससे कहा घबरा नहीं, तेरे पति को मैं ठीक करके और सुलाकर आया हूं, जल्दी वो ठीक हो जाएगा। वो लिखता है कि ये खत मैं 95% ठीक होने के बाद लिख रहा हूं, मेरी तो इच्छा है कि मैं जाकर यूनिट में अपने काम को संभालूं, लेकिन डॉक्टर लोग मुझको अभी रिलीव नहीं कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से रिलीव करेंगे, तब यूनिट में जाकर मैं काम करूंगा। वो ये पूछता है कि जब मुझको आपने ये इनिशिएट किया कि गाड़ी की टक्कर होगी, तो फिर मैं ही जख्मी क्यों हुआ? दूसरे उसका सवाल ये है कि मेरा एक लड़का जिसकी उम्र 5 साल की थी, बड़ा सुंदर और खूबसूरत था, उसको मेरे माता पिता कभी कभी अपने गांव मथुरा के पास ले जाया करते थे। उसको वो एक बार ले गए, उस बच्चे का नामकरण संस्कार आपने अमृतसर में मेरे जहां पर मिलिट्री क्वार्टर था वहां आकर किया था। उस बच्चे को वहां पर गांव पर चेचक निकली, वो बच्चा मुझको याद करता था, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझको खबर नहीं की। लेकिन उसकी मां को रोजाना 3 दिन से स्वप्न में वो ये कह रहा था कि तुम या पिताजी को भेज करके मुझको आकर ले जाओ तो मैं बच जाऊंगा। जिस दिन मैं टैक्सी लेकर गया, रास्ते में मुझको नींद आ रही थी, रास्ते में बच्चा बोलता है कि अब मैं नहीं बचा, आपको देर हो गई, मैं आपको 3 दिन से याद करता हूं, आप आ जाते और अगर मेरी लाश को भी सामने रख करके अपने गुरु महाराज का ध्यान करते तो भी, और कहते कि तू उठिया तो मैं जिंदा हो सकता था, लेकिन अब वक्त नहीं रहा। वो ये पूछता है कि क्या वो बच्चा मुझको वापस मिल सकता है? अब तुमने ये खत सुन लिया, सुन लिया कि नहीं? अब मेरे शरीर को कुष्ठ पड़े, मैं झूठ नहीं कहता, मुझे इस वाकया का कोई पता नहीं, बिल्कुल कोई पता नहीं, ना मैं जानता हूं। अब आज शब्द में आया, पढ़ो, गुरु हुए प्रगट, गुरु हुए संसार में प्रगट, गुरु से ज्ञान लो। मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ बुद्धे खौसट, तू अपने आप को संत सदगुरु वक्त कहता है, तू क्या ज्ञान देना चाहता है? ये देना चाहता हूं कि मैं नहीं वहां गया और ना ही कोई और गुरु जाता है। ये जितना गोल्डमिज्म इस वक्त दुनिया में बना हुआ है, ये सब पाखंड का जाल है।
धोखा है और फरेब है, हम गृहस्थियों को बेवकूफ बना के लूटा जा रहा है, हमारी दौलतें छीनी जा रही हैं, फिर कौन है जो भी तुम्हारी किसी की मदद करता है वो उसके अपने ही मन का विश्वास है, श्रद्धा है और यकीन है। मैं संत सदगुरु वक्त प्रगट होकर अपने आप को प्रोक्लेम किया है कि मैं संत सदगुरु हूं, सच्चा ज्ञान देता हूं। इस वक्त दुनिया जितनी है सब पाखंड में आई हुई है, कोई मुसलमान हजरत अली, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई बाबा सावन सिंह, कोई संत कृपाल सिंह, कोई फकीर चंद, कोई आदमी भी किसी को इस तरह से मदद नहीं करता जिस तरह से इस चिट्ठी में लिखी हुई है। इस तरह से मदद करने वाला कौन है? तुम्हारा अपना ही आत्मा। जीव निबल हैं, अबल हैं, अज्ञानी, वो सहारा चाहते हैं और मुबारक हैं वो महापुरुष जो इन अज्ञानी मूर्खों और भ्रम में आए हुए जीवों को सहारा देते हैं, मुबारक हैं। मगर जो कुछ उनके इस सहारा देने से जीव को मिलता है उसका जो क्रेडिट लेते हैं गुरु महाराज और अपनी मोटरें खरीदते हैं, अपनी जायदादें बनाते हैं, अपनी गद्दियों को अपने पुत्रों पोतरों को अपने रिश्तेदारों को दे जाते हैं, ये सब महान पापी गुरु हैं, धोखेबाज गुरु हैं, 420 करने वाले हैं। गुरु नाम तो ज्ञान का है। गुरु देखो, तुम लोग आ जाते हो, मैं दूसरे पर सत्संग काफी लिए, मेरे सिर पर कोई जिम्मेवारी है? मेरे सिर पर कोई जिम्मेवारी है? मैं जिम्मेवारी को, मैं तो कहता हूं कि मैं संत सदगुरु वक्त बर्मला कहता हूं। तो सदगुरु नाम है सच्चे ज्ञान का। मैं आप लोगों को सच्चा ज्ञान दिया जाता हूं, तुमको नहीं, संसार को दिया जाता हूं। ये जितना सत्संग मैंने दुसहरे पर तीन दिया, आज ये दिए, मैं चाहता हूं इनकी किताब छपे। इस किताब का नाम मैं रखना चाहता हूं संत सदगुरु वक्त की सदा। जो कुछ किसी को मिलता है वो उसके अपने ही विश्वास, श्रद्धा या पिछले जन्म के कर्मों का फल मिलता है। क्योंकि जीव आशावादी हैं, इनकी बुद्धि दुनिया की आशाओं में ग्रस्त होने के कारण संतुलन में नहीं रहती, आर्त हो जाते हैं, इसलिए वो अपनी बात कहते हैं, आर्त के बस रहे न चेतु, मुड़ मुड़ कहे अपनी हेतु। मैंने इस तालीम को क्यों साफ किया? ताकि
संसार के समझदार तबके को ये पता लगे कि इंसान को जो कुछ मिलता है वो उसके अपने कर्म का फल, अपनी इच्छा का फल मिलता है। मैंने ये काम इसलिए किया है कि ऐ इंसान, अपनी नीयत को साफ रख, अपना विश्वास रख, अपने ख्याल को ठीक रख, अपने विचार को ठीक रख, तब तुम्हारा कल्याण होगा। सिर्फ बाबा फकीर या किसी और गुरु का नाम का ढिंढोरा पिटाने से अगर तुम्हारी नीयत और तुम्हारे कर्म और तुम्हारे ख्याल ठीक नहीं है तो तुम्हारी को अपने कर्मों का, अपने विचारों का, अपने ही ख्याल का तुमको फल मिलेगा। क्योंकि ये सब दुनिया मनोमय जगत है, माया देश है, संकल्प की दुनिया है, इस वास्ते संत सदगुरु वक्त की हैसियत में मैंने आवाज उठाई, ऐ इंसान, तेरे ख्याल में बड़ी ताकत है, जैसा तेरा विश्वास है, जैसी तेरी आस है, जैसे तेरे नियत है, उसके मुताबिक तुमको फल मिलना है। इस वास्ते मैं कहता हूं, अगर तुम दुनिया में सुखी रहना चाहते हो, अपने कर्म को ठीक रखना चाहते हो, तो अपनी नियत को ठीक रखो। ख्याल में ताकत है कि नहीं? ख्याल में ताकत है या कि नहीं? अब अगर दुनिया को ये पता लग जाए कि हमको जो कुछ मिलना है हमारे कर्म का फल मिलना है, तो हम अगर सुख चाहते हैं तो बुराई करने से बच जाएंगे। तुम घरों में रहते हो, खावंद औरत के बरखिलाफ आवाज देता है, खावंद औरत के बरखिलाफ उसके दिल में शक है, बाप का लड़के से झगड़ा है, लड़का बाप को पसंद नहीं करता, दोस्त दोस्त को इतबार नहीं करता, तो जब ख्याल में ताकत है, तुम्हारे अपने ही ख्याल जो है ये तुम्हारे लिए दुख और सुख का बन जाएगा। एक शख्स की बहू आई, बहू के दिल में ख्याल है कि मेरी सांस बड़ी खराब है, अगर सांस उसके साथ नेकी भी करे उसकी बहू को सुख नहीं मिलेगा क्योंकि ख्याल का चल रहा। इस वक्त मुल्क का हाल देखो, कांग्रेस है, जनसंघ है, सोशलिस्ट है और कितने पार्टियां हैं, ये हर एक पार्टी दूसरे पार्टी को बुरा समझती है और मुल्क का नुकसान देने वाला समझती है। इस सूरत में इस विज्ञान या मनोमय जगत के कानून के मुताबिक अगर भारतवर्ष ये चाहे कि मुल्क में शांति हो जाए, ये हरगिज नहीं होगी, हरगिज नहीं होगी, हरगिज नहीं होगी। क्यों? कर्म प्रधान विषव कर राखा, जो जस की सैसो फल चाखा। कर्म का भी यही हाल है, इसलिए क्योंकि मैंने अपने आप को संत सदगुरु वक्त कहा, दाता के हुक्म से, मैं कह जाना चाहता हूं, मेरी बात को सुनकर अमल करने से तुम्हारा बेड़ा पार होगा, मुझको पूजने से तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होगा। मुझ
मुझको पूजने से तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होगा। कर्म के फल को कौन बदल सकता है? जो तुमने हमने किए हैं वो मिलेगा। देखो हजूर बाबा सावन सिंह की टांग टूट गई, बाबा जामल सिंह उनके गुरु थे, क्या उन्होंने उनकी टांग को बचा लिया? हजूर बाबा सावन सिंह का जवान लड़का मर गया, नू रंडी रह गई। अगर वो संत सदगुरु थे तो उनको बचा लिया। अब मैं साफ बयानी से काम करता हूं, मेरी आत्मा पर कोई बोझ नहीं, कोई पाप। मैं ये क्यों कहता हूं तुमको बताया मैंने, मैं गया अलीगढ़, वहां मिस्टर एक मेजर है चक्खनलाल का लड़का, उसकी लड़ाई के बाद जीप में जा रहा था, नीचे माइन फट गई, जीप उड़ गई, उसकी ये टांग उड़ गई, यहां से टांग पैर उड़ गया। वो कहता है बाबा जी जब ये एक्सीडेंट हुआ मेरे अंतर प्रकाश हुआ और मेरा रूप उसको नजर आया, मेरा रूप उसको नजर आया, फिर वो बेहोश हो गया। अब मेरे दिल में ख्याल आता है कबीर सन तू उसके अंतर प्रकट हुआ था, मैं आया ही अनामी धाम से इसी वास्ते हूं कि ये जो भ्रम और अज्ञान इस वक्त दुनिया में फंसा हुआ है, जिसकी वजह से इंसानी नस्ल अपने आप को खराब कर रही है, मजहबी इत्तेहाद नहीं है, प्रेम नहीं है, इनको बता जाऊं कि सच्ची बात क्या है। दोस्तों पौने दो साल वो अस्पताल में रहा, वो कहता बाबा तेरी मुझे आवाज आती थी मेरे अंतर में, तू अच्छा हो जाएगा, तू अच्छा हो जाएगा, और मैं अच्छा हो गया। अब उसकी टांग भी लग गई है, गवर्नमेंट ने उसको पेंशन भी दे दी है, गैस का ठेका भी दे दिया है, उसको चार पैसे कमाता है। अब उसने एक बात मुझे बताई कि लड़ाई करने से, लड़ाई शुरू होने से पहले वो और एक कैप्टन मेरे पास विचार कर गया, वो कहता है कि मैं आपसे मिल करके रिगु संगता वाले के पास चला गया, वहां मेरा टेवा निकला। उस रिगु संगता वाले ने कहा कि 36 साल की तेरी उम्र में तुझको महान कष्ट आना पड़ेगा, इतना इतने तू कर उपाय कर। और कष्ट क्यों आएगा कि तू पिछले जन्म में कोई जज था, कोई मुजरम का मुकदमा तेरे पास आया, तूने उस मुकदमे वाले से जो मुजरम था उसके पास से रिश्वत खा के उसको बरी कर दिया और एक बेगुनाह आदमी को तुमने सजा दी, उसके इवज में तुमको ये कष्ट आया। हम हिंदू हैं, कर्म की फिलॉसफी को मानते हैं, आवागमन को मानते हैं। मैं डर गया, अगर मैं सच्ची बात तुमको या पब्लिक को या जहान को नहीं कहता
और अपना झूठा मान झूठी इज्जत लेना चाहता हूं, तो जिस तरह से उस मेजर को रिश्वत खा करके उसको छोड़ देने से और दूसरे को सजा देने से सजा मिली है, तो मुझे मैं बरी हो सकता हूं। इसलिए मैं कहता हूं, जब जब धर्म की हानि होती है, गीता में लिखा, कृष्ण कहता है मैं अवतार लिया करता हूं, जब जब अज्ञान अंधेरा दुनिया में छा जाता है, भ्रम आ जाता है, उस वक्त डिमांड एंड सप्लाई के कानून के माता है कुदरत, समझ गए? अगर तुम लोग ये चाहो कि हम 50,000 रुपया दान कर दें, तो तुम्हारे जो बुरे कर्म किए हुए हैं उनका फल तुमको नहीं मिलेगा, ये झूठ, ये झूठ। क्यों कहता हूं झूठ? मैं गया अलीगढ़, वहां मुंशीलाल गोवरे उस खानदान का चखन लाल है, उसकी बीवी जो है वो, उसकी जो बहन है वो एक ऐसे आदमी को ब्याही हुई है जो लाखों पति, वो बड़ा दानी है। 4 साल हुए मैं वहां गया था, उसने एक धर्मशाला बनाई है, लाखों रुपया उस पर खर्च कर दिया, लाखों रुपया उसने वहां खर्च कर दिया, दान दिया। अब मैं ये पूछता हूं अपने आत्मा से, मैं जब उसको बीमार अस्पताल में देखने गया, पड़ा था यहां चोट, एक्सीडेंट हो गया, यहां पड़ा था, खा सकता नहीं, नाक में उसके ग्लूकोज दे रहे थे और भी होश पड़ा था, ख्याल आया कि ये इतना बड़ा भारा दानी है, 1,000 रुपया इसने दान को दिया है, सराय बना दी, बड़ा भारा पुण्य है, उसके उस पुण्य ने इसकी कोई मदद न की। ये एक सवाल मेरे आत्मा से पैदा हुआ, जो तुम दान देते हो अगर ये निष्काम नहीं है, तो तुमको उस दान का फल लेने के लिए या इस जन्म में या दूसरा जन्म अवश्य मैं लेना पड़ेगा। अगर तुमने इस ख्याल से दान देते हो कि अगर हम दान देंगे इससे हमें कुछ और मिले, तो उसका दान का फल लेने के लिए तुमको इस योनि के चक्कर से तुम बच नहीं सकते। क्या कहा मैंने? ये जो दान देना है ये इस संसार के लिए है, धन दोगे धन मिलेगा, पैसा दोगे पैसा मिलेगा, मैं देता रहता हूं मुझे मिलता रहता है, मैं देता रहता हूं मुझे मिलता रहता है, तुम दोगे तुमको मिलेगा। मगर अगर तुम ये चाहो कि दान देने से जो तुमने पिछले कर्म खोटे किए हुए हैं उनके फल से तुम बच जाओ, ये तुम नहीं बच सकते। ये तुम नहीं बचो, कर्म जो जो करेगा तू अंत में भोगना पड़ना, जो कर्म तुम करोगे, कर्म क्या है? अपनी जाति गरज के लिए किसी को बदनाम करना, किसी का धन लेना, किसी के साथ 420 करनी, अपने जाति गरज के लिए, पर्सनल, अपनी जाति गरज के लिए, ये जुर्म है।
किसी के हित के लिए जहां तुम्हारा स्वार्थ नहीं है, जो कुछ भी तुम करोगे उसका तुमको फल का कोई असर नहीं तुमको होगा। मेरे पास रेल वाले कई आदमी आते हैं, कहते हैं बाबा जी रिश्वत क्यों ना खाएं, स्टेशनों का पैसा होता है ना, लें या ना लें। तो मैं उनको कह दिया, कहता हूं ले लो, उनको शर्त ये लगाता हूं कि जो तुमको तनख्वाह मिलती है उसमें अपना पेट पालो। अपने कपड़े पालतू बाहर से, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप हैं उनकी सेवा करो, विधवा बहन है उनकी सेवा करो, किसी दुखिए की मदद करो, उनको कोई दोष नहीं। लड़कियों की शादी है, तुम देखो एक एक लड़की की शादी पर तुम 20-20 हजार रुपया खर्च करते हो, क्या शादी के लिए 20 हजार रुपया या 10 हजार रुपया जरूरी है? ये हमारे सोशल इवल्स हैं, समाज की बुराइयां हैं, जमाने के मुताबिक चलो। आजकल नौकरी है, तुम किसी महकमे में हो जाओ, अगर तुम बिल्कुल सच्चाई से काम करना चाहो तुम नौकरी नहीं कर सकते। तुम नौकरी नहीं कर सकते, मुश्किल है। तो मैंने अपने आप को संत सदगुरु वक्त कहा है। वक्त की डिमांड ये कहती है कि अगर इस कर्म के चक्कर से बचना चाहते हो तो अपनी जाति गरज के लिए कोई हेरा फेरी न करो, जाति गरज के लिए। इस दुनिया ये इस वक्त कलयुग का राज है, यहां सच्चाई कहां है? तुम सच्चे होके काम करोगे तुम्हारा दुनिया में गुजारा होना बड़ा मुश्किल। मैं बिल्कुल साफ बयानी को आत्मा करता हूं, कोई लगाव पेट की बात नहीं। सिर्फ अपनी जाति गरज के लिए कोई हेरा फेरी मत करो, फिर बच जाओगे। मैंने सेशन मास्टरी की, मैंने अपनी जाति गरज के लिए एक पैसा रिश्वत नहीं खाई सारी जिंदगी। सरकारी कागज नहीं बढ़ता, कर्म दवात नहीं बढ़ती, मगर जहां नौकरों का स्टाफ का सवाल था, जहां वो गलती करते थे कोई उनको बचाने के लिए, मैंने रिकॉर्ड बदल दिए, किताबें बदल दी, कैश बुकें बदल दी, उनको बचा दिया। मेरा आत्मा कहता ही नहीं है कि मैं मुजरिम हूं, कोई पाप नहीं। एक आदमी है, वो एक गलती खाता है, उससे गलती हो गई, अगर वो अफसोस करता है और पछताता है और आइंदा ना करने का उसको दिल में ख्याल है, अगर उसको वो गुनाह उसका माफ कर दिया जाए कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आइंदा वो नहीं करेगा। ये है संत सदगुरु वक्त की आवाज, जमाने के मुताबिक मूव करो। पिछला वक्त चला गया, उसके मुताबिक अगर तुम अब समाज यह चाहे कि तमाम दुनिया वेद मार्गी हो जाए, हवन करे कि ही तो खालस मिलता नहीं, सामान नहीं मिलता, महंगाई इतनी है, तो हम हवन कैसे रोज कर सकते हैं मुझे बताओ। हर जमाने का धर्म अलहदा है, कलि केवल एक नाम आधारा, वेद शास्त्र श्रुति मत सारा। कलयुग में इस भवसागर से तरने के लिए सिर्फ नाम है, शब्द है। पहले शब्द बाहर के कामिल गुरु के वचन है, बाहरी कामिल गुरु के वचन है, वचन जुबान है।
جو آدمی اپنی ذاتی غرض کے لیے کوئی کام کرتا ہے اس کو اس کی سزا ملتی ہے. مثلاً تم دیکھو مہاراجا رام چندر سری رام کرشن اوتار کہلاتے تھے, مرے کیسے؟ سریو دریا میں جا کے ڈوب کے مر گئے. کتاب ہے کہ نہیں؟ اب میں سوچتا ہوں کہ اگر وہ اوتار تھے تو ان کو مرنے کی ڈوب کے مرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سمادھی لگاتے پران چھوڑ دیتے. اگر انہوں نے جانا ہی تھا تو سمادھی لگاتے پران چھوڑ جاتے. وہ سردیوں میں کیوں جا کے ڈوبے؟ کیونکہ ان کو دنیا سے اداسی آ گئی تھی. کیوں آئی تھی؟ انہوں نے سیتا کو جب راون سے لیا لنکا میں, اس کو اگنی میں ڈال کے ٹیسٹ کیا تھا اور وہ پوتر نکلی. نکلی کہ نہیں نکلی؟ تو پھر ایک توبی کے کہنے پر جس نے اپنی عورت کو کہا تھا میں رام نہیں ہوں, سیتا نو مور لیا گا, ہوں تین گھر نہیں وڑن دیا گا, صرف اپنا ایک نام رکھنے کے لیے کہ ریت اس کو انصاف والا اور کرم والا کہے, اس نے یہ ایک بے گناہ استری کے ساتھ ظلم کیا. اس کی سزا اس کو ملی. سوچو شری کرشن جی مہاراج کے اپنے سارا خاندان مہا بھارت کی لڑائی کے بعد آپس میں لڑ کے مر گیا. تو اس سنسار میں کرم کے کھیتر سے کوئی بچ نہیں سکتا. کوئی علاج ہے کسی کے پاس تو مجھے بتاؤ. کرم سے بچنے کا ایک ہی علاج ہے, وہ تو مشکل ہے, مگر کرم کو اپنی ذاتی مطلب کے لیے کوئی ہیرا پھیری مت کرو. میں اسی واسطے گرو پدوی پر آیا. اتنے اتنے کرشمے میرے نام کے ساتھ لوگ لگاتے ہیں کہ اگر سب کو میں پبلش کرا دوں تو اتنی بڑی بھاری کتاب بن سکتی ہے. میں اس کی اجازت نہیں دیتا, کیونکہ اگر میں اجازت دے دوں برا پوکنڈا کراؤں کہ ہاں فقیر چند ایسا ہے ہزاری سے ان کے پاس, وہاں گیا امریکہ میں, وہاں گیا وہاں گیا وہاں گیا وہاں گیا وہاں گیا وہاں گیا وہاں گیا, تو اس کا جو اس کو سن کر کے جو مجھ کو لوگ میری عزت کریں گے, وہ اگر عزت اور دولت کو میں اپنا مان سمجھ کے یا اپنا سمجھ کے استعمال کروں گا تو کیا میں مجرم نہیں ہوں؟ میں کرم کے پھل سے بچ نہیں سکتا؟ بچ سکتا. تو آج شبد نکلا تھا, پڑھو. گورے ہوئے سنسار میں پڑے گٹے گرو سے گیان لو. تو میں یہ گیان دیتا ہوں, یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ جو کچھ میں گیان دیتا ہوں یہی سچ ہے. مجھ کو چونکہ یہ ڈیوٹی ملی, یہ کام میرا داتا جال نے دیا, میں نے جو سمجھا وہ تھا. کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے یہ کام جو کچھ کیا ہے یہی ٹھیک ہے. میری سمجھ میں جو بات آئی ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو اپنے کرم بھوگ بس صاف صاف کہہ دیا کہ اس زمانے میں اب تم دیکھو, اگر میں تمہاری چوری کروں, تم کو دھوکا ایک کو دوں, تمہارا مال ہڑپ کروں, تو مجھے پاپ ہے یا کہ نہیں ہندو دھرم کے مطابق؟ اچھا, اس وقت ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ ہڑتالیں, گھیراؤ, ریلوے کی گاڑیاں تباہ کی جاتی ہیں, بسیں جلائی جاتی ہیں,
जीपें जलाई जाती हैं, मोटर कारें जलाई जाती हैं, ये जितना माल है ये किनका है? 62 करोड़ जो आदमी यहां बसते हैं ये उनका माल है। जो आदमी सरकार की चोरी करता है वो 62,000 गुना ज्यादा पाप करता है। जो गवर्नमेंट के माल को जलाता है, गवर्नमेंट के साथ धोखा करता है, फ्रेब करता है, उसका माल हड़प करता है, सीमेंट ब्लैक में बेचता है, लोहा ब्लैक में बेचता है, वो तुम देखो कि 62,000 गुना पाप है उसको, उसकी सजा से वो बच नहीं सकता, क्योंकि ये लॉ ऑफ कर्मा ऐसा है जो किसी को छोड़ता नहीं। पब्लिक हो खाए ये मिनिस्टर हो, ये जितने आजकल के एक्सेप्शन तो हर जगह होती है, जो बड़े बड़े मिनिस्टर अफसर बन करके इसलिए बनते हैं कि पब्लिक का नाजायज पैसा हम खा जाएं, धोखा करते हैं, ये कर्म के चक्कर से कभी बच नहीं सकते। जहां मर्जी चले जाओ, क्योंकि ये एक कानून है, कर्म जैसे करेगा तू अंत में भोगना। मैं अगर गुरु बनके तुम लोगों के साथ सच्चाई का व्यवहार नहीं करता तो जो कुछ तुमसे लेता हूं अगर मैं अपने लिए ना भी लूं, ना भी इस्तेमाल करूं, मंदिर के लिए करूं, मंदिर तबाह हो जाएगा। या तबाह नहीं होगा, जो मंदिर में रहने वाले हैं जो उस धन को खाते हैं, इस पैसे का इस्तेमाल करते हैं, उनके मन कभी शुद्ध हो नहीं सकते। क्या कहा मैंने? तुम देखो गुरुद्वारों में जाओ कितनी करप्शन है, मंदिरों में जाओ कितना हेरा फेरी है, डेरों में जाओ क्या कुछ होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि वो जो अन्न खाते हैं वहां का, वो दुनिया से धोखे के, दुनिया को धोखे में रख के लिया गया है। क्या काम है? सोचो मेरी बात को। तो हम लोग जो दुख सुख उठाते हैं, इनका मेन कारण क्या है? हमारी नीयत खराब है। हम जो करते हैं खुद गर्जी के लिए करते हैं, जिससे हमने लिया हुआ है उधार, अगर तुम उसको वापस नहीं करते तुमको देना पड़ेगा। मैं एक कहानी सुनाया करता हूं, सच्चा वाकया। मैं म्यानी में सिस्टम स्टेशन मास्टर था, डॉक्टर आर्या राम साहब, कट्टर आर्या समाजी, उस अब तो आर्या समाज के ख्याल बदल गए। वो ज्योतिष को मानता था, उसको मैंने कहा कि तू ज्योतिष को क्यों मानता है? वो कहता है मैं एक दफा अनारकली से जब पढ़ता था, डॉक्टरी जा रहा था, दूसरे प्रोविंस का ब्राह्मण आया, उसने माथे पर टिके था, उसने मेरे पीठ पर हाथ रखा, मुझको पूछता तेरा नाम क्या? आर्या राम। क्या करते हो? डॉक्टरी कर पढ़ता हूं। अगर बात सुन, अगर मेरी पीठ पर फोड़ा है 12 साल से, राजी नहीं होता, मैं ज्योतिषी हूं, किसी जन्म में एक आदमी से मैंने 100 रुपया उधारा लिया था, उसको वापस नहीं किया, कर ना सका या मेरी नीयत खराब होगी, तो मैंने ज्योतिष लगाया कि जिससे मैंने लिया था वो फलाने दिन फलानी जगह फलानी स्थान पर मुझे मिलेगा, उसका नाम के पहले आ होगा और वो डॉक्टरी पढ़ता होगा, ये 100 रुपया ले ले, मेरी पीठ का इलाज कर ले। वो आर्या राम कहता मैंने मजाकन 100 रुपया खीसे में पाया, कार्बन लोशन लेके उसकी पीठ को बैठ गया, उसकी पीठ पर कार्बन लोशन मल दिया, वो राजी हो गया।
वो कहता है वो शख्स मुझे टेवा बना के दे गया हुआ है, जो जो कुछ उसने लिखा है वो लफ्ज बलफ्ज ठीक निकलता। हमारे शास्त्र मानते हैं, हम लोग दूसरों से कर्जा ले लेते हैं, किसी को ठग लेते हैं, फिर उसका कर्जा लेके उसको वापस नहीं करते, फिर कहां जाएंगे? तुम घरों में रहते हो, पाई पाई हो, या दुकानदारी करते हो, तुम्हारा आसान खाता है, उसमें अगर तुम चोरी करके हेरा फेरी करके अपने आप के लिए कुछ निकाल लोगे और हिसाब में नहीं लिखोगे, तुम मुजरिम हो। क्यों मुजरिम? कृष्ण और सुदामा दोनों एक जगह पढ़ते थे। उस वक्त में राजा के लड़के और गरीबों के लड़के एक ऐसे अपने गुरुओं के दरबार में रहते थे। तो शाम लकड़ी काटने के लिए जंगल में गए, जब चलने लगे तो सुदामा के गुरु की स्त्री ने कहा सुदामा को, ये ले बच्चा छोले, अगर रास्ते में तुम्हें कहीं भूख लगे तो खा लेना। उसने ले लिए। कृष्ण को पता नहीं था, रात जंगल में पड़ गई। एक दरख्त पर कृष्ण बैठा हुआ था, एक टहनी पर सुदामा रात काटने के लिए बैठा हुआ था। सुदामा को भूख लगी, वो खाने लगा। तो कृष्ण पूछता क्या खाता है? उन्होंने कहा खाता कुछ नहीं, सर्दी से दांत बचते हैं, सारी जिंदगी दांत बचते रहे। तुम लोग भाई भाई हो, तुम लोग सांझ खाते में दुख शराकत में बिजनेस करते हो, उस बिजनेस में करते हुए तुम हेरा फेरी करके अपने आप को तुम ज्यादा लेते हो, उसको नहीं बताते, तुम उसके कर्म से बच कैसे सकते हो? तुम्हारी जो कुछ तुमको मिलना है, मुझे मिलना है, मैं आज हैरान होता हूं और कह जाना चाहता हूं वक्त संत सदगुरु वगैरह कि है महात्माओं, जो कुछ मुझे गुरु बन के तजर्बा हुआ, अगर ये तुम्हारे साथ भी गुजरी है और तुम लोगों को सच्ची बात नहीं बताते, तुम तो ये दावा करके आते हो कि तुमको सतलोक जीवों को बचाओगे, तुम्हारे लिए आगे नरक पड़ा है, तुम सतलोक क्या दुनिया को बचाओगे, तुम फंस जाओगे। हम लोग गुरु बनते हैं अपने मान के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी दौलत के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए। गुरु नाम तो है ज्ञान का, गुरु नाम है अनुभव का, गुरु नाम है विवेक का, गुरु नाम है विश्वास का, गुरु नाम है श्रद्धा का। तुम लोग आते हो, मेरी सेवा करते हो, मेरे आत्मा पर अब कोई पाप नहीं है, कोई बोझ नहीं है। आपका जी चाहे सत्संग में आओ, आपका जी चाहे मत आओ, आपका जी चाहे मेरी कोई किताब पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़नी मत पढ़ो। आपका जी चाहता है, समझते हो कि मेरे ख्यालात की में सच्चाई है और इसके प्रोपेगंडे करने की जरूरत है, जो कुछ मंदिर में देना चाहो जो, मैं खुशी से कबूल करता हूं, मगर तुमको सच्ची तो मैंने क्या किया? ज्ञान देता हूं, यही दादा दादा पढ़ते हैं, पढ़ो। गुरु हुए, गुरु हुए संसार में परे घट गुरु से ज्ञान लो, छोड़ दो पाप। उसके लड़के ने उसको सड़क पर खींचा और मारा। उसने मुझे लिखा, मैंने कहा भी तुम यहां आ जाओ, मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि उसका मुझ पर एहसान था। एहसान क्या का?
1942 में जब मैं रिटायर होके आया थे, नए मकान में प्रवेश किया, चट थी उस वक्त, ये पीरे मुगा ये भी गए हुए थे और भी कुछ 10-15 से कभी गए हुए थे। वो शख्स नंगे पांव 300 रुपया नकद लेकर एक दरी और कुछ मिठाई कुछ फूल लेके आया, मेरे मकान में आया। उसकी एक चिट्ठी लिखी हुई थी उसके औरत की तरफ से। उस औरत ने लिखा, सावित्री उसका नाम है उसकी औरत का, वो वहां अभ्यास करती थी। वो कहती है, मैं अभ्यास में बैठा हुआ था, बैठी हुई थी, मेरे अंदर स्वामी जी महाराज प्रकट हुए, फिर हजूर महाराज प्रकट हुए, फिर बाबा सावन सिंह आया, दाता जाल आए। उन्होंने कहा कि वक्त का गुरु फकीर चंद है, उसके पास चलेगा, तुम्हारा कल्याण होगा। अब वो लिखती है कि हमारे पास सिर्फ 300 रुपया बैंक में थे, वो डाकखाने में वो निकाल के ये आपकी पेंट करते हैं। और फिर उसने लिखा कि मैं भी उसके अंदर प्रकट हुआ। ये मई 5 मई 1942 का वाकया है। अगर तो उसमें ये न लिखा हुआ होता कि मैं भी प्रकट हुआ, तो उस वक्त जितना मेरा अनुभव था, मैं मान जाता कि स्वामी जी महाराज आए हैं, हजूर महाराज आए हैं, दाता जाल आए हैं। मगर जब उसने लिखा कि मैं भी प्रकट हुआ, तो मैं तो गया नहीं था। तो मुझे उस बिहारी लाल से ज्ञान हो गया कि ओहो, ये जो कुछ स्वामी जी आए हैं, हजूर महाराज आए हैं या गुरु दाता जाल आए हैं, ये कोई बाहर से नहीं आया, बल्कि उसके अपने मन का ही ख्याल था। क्योंकि उसका मेरे सिर पर एहसान था, ज्ञान दाता की हैसियत से, इसलिए जब उस पर मुसीबत आई, मैंने कहा भाई तू यहां आ जा मेरे पास, अब उसको कपड़ा देता हूं, रोटी देता हूं, 25 रुपये माहवार देता हूं, बीमार होता उसका इलाज कराता हूं। ये है मेरा अनुभव जिंदगी का। ये मैं जानता हूं कि मेरी साफ बयानी से, जिस तरह व्यास आगरा या निरंकारियों के पीछे लाखों आदमी फिरते हैं, मेरे पीछे नहीं फिरेंगे, इसको मैं जानता हूं। मगर अगर पर्दे में रख के तुम लोगों को अपने पीछे लगाता हूं, तो मैं कहां जाऊंगा, मैं मेरा क्या इलाज होगा, कहीं मेरा भी ठिकाना है या कि नहीं है, ये बताओ मुझे, कहीं नहीं जा सकता। इसलिए मैं संत सदगुरु वक्त प्रगट हुआ, क्या कहने के लिए, सच्ची बात बताने के लिए। ए इंसान, तुमको जो कुछ मिलता है तेरा कर्म है, तेरे पिछले जन्म के कर्म है, तेरे इस जन्म के कर्म है, तेरी नियत की मुराद है, तेरी नियत का खेल है। अगर बचना चाहता है तो अपने कर्म को अनुकूल कर दे। यह है गुरु ज्ञान। जो गुरु आ गया बस, और हजूर बाबा सावन सिंह की हुक्म के मुताबिक बैठ जाइए, उनके मुताबिक मैं आप लोगों को सच्चा राज दिए जाते हैं। मैं जानता हूं मेरी सावधानी से मेरे पास कौन आएगा, कौन देता है, बहुत कम आदमी है जो देते हैं, बहुत कम आदमी हैं जो देते हैं। मगर मैं क्या करूं, मेरे जिम्मे ये ड्यूटी थी। तू तो आया नरदेही में तर फकीर का भेसा, दुखी जीव को अंग लगा कर ले जा गुरु के देशा। 3 ताप से जीव दुखी है, निबल अबल अज्ञानी,
तेरा काम गया का भाई नामदान, मैं ये नामदान योग जुबान से कहता मैं हूं वक्त का संसद गुरु। जब मैं ये लफ्ज कहता हूं अपने आत्मा से पूछता हूं कंजरा तू की बकना है क्या ठीक, मैं कहता हूं मैं ठीक कहता हूं। हम लोगों को बेवकूफ बनाया गया है और हम बेवकूफ बनने में मजा लेते हैं। हम बेवकूफ बनने में पागल बनने में हमको आनंद आता है, खुशी मिलती है। कितनी औरतें मेरे पास आई, कम से कम 175 औरत मेरे पास आई है जो प्रसाद देगी 20-20 साल के बाद लड़का हुआ। मेरी लड़की 18 साल हो गए शादी किए हुए को, मैंने कई दो बार उसको प्रसाद दिया, उसके बच्चा नहीं हुआ तो फिर मैं देता हूं। आंखें खोलो, कुछ अकल की बात करो। तू दाता का शब्द पढ़ो, क्या हुआ गुरु हुए, गुरु हुए संसार में प्रगट, गुरु से ज्ञान लो। तुम्हें ज्ञान देता हूँ, क्या ज्ञान देता हूँ, ऐ इंसान तुझको जो कुछ मिला मिल चुका है या आइंदा मिलेगा वो तेरे अपने ही नियत, तेरे अपने ही कर्म, तेरे अपने ही पिछले किए हुए या इस जन्म के किए हुए का फल है। रोता किस वास्ते है, हाया क्यों करता है, जो किया है वो भुगत। हाँ अगर ज्ञान मिल जाए समझ आ जाए तो वो दुख जो है कम हो जाता है। समझ के साथ दुख का जो ज्यादा बोझ है वो हल्का हो जाता है। होइए वही जो राम रची राखा। बाजे वक्त इंसान अपनी शीर्षी में आके काम करता है। मसलन एक बात बताता हूं, राजा दशरथ अवध नगरी का नरेश था, उसमें ताकत थी, आवाज पर बाण मारता था आदमी मर जाता था, बे सोचे समझे काम किए होगा क्या नतीजा निकलता है। सर्वन पानी फरने के लिए आया, उसने गड़वा या घड़ा डाला, उसकी आवाज आई, क्योंकि उसको ये ज्ञान था कमांड था, उसने उस आवाज पर तीर चला दिया और श्रवण मर गया। उसका नतीजा क्या निकला, आप राम के जुदाई में तड़प तड़प कर प्राण दे दिए। क्या उसने गलती की, उसने बिना सोचे काम किया। इस वास्ते बार बार कहा जाता है नर पशु गुरु पशु तिरिया पशु वेद पशु संसार, मानुष चाहे जानी जामे भवे। हम लोग अहंकार में क्या कुछ, तुम किसी के साथ लड़ पड़ते हो कि नहीं, जनानी लड़ पड़ती है आदमी, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, तू मैंने जानता नहीं। हम गुस्से में कहते हैं नहीं कहते, हालांकि उसकी ताकत में नहीं है मगर वो गुस्से में आगे कहता। जो जो कर्म हम गुस्से में या खुशी में हम करते हैं उनका असर दिमाग पर रहता है। जो जो कर्म हम गुस्से में या खुशी में करते हैं सोचते हैं उनका असर दिमाग पर रहता है। ये मैं क्यों कहता हूं, मैं क्यों कहता हूं, मेरे तजर्बे हैं। आज 2 महीने हुए मुझे ख्वाब आया है, ख्वाब में रेलगाड़ी तो आती रहती है, कार भी आती रहती है, क्योंकि मैंने वो दिल लगाकर अपने भूखे पेट के लिए रेलवे में काम किया था। मगर आप लोग सपने में नहीं आते, कभी बिब्बो नहीं आई, कभी गुप्ता नहीं आया, कभी मानवता मंदिर मेरी सारी जिंदगी में नहीं आया।
उत्सुक नहीं, क्योंकि मेरा काम निष्काम है। मगर वो रेल और तार गाड़ी नहीं छोड़ती। तो एक दफा मैंने सपने में क्या देखा, एक आदमी मेरे पास आया, उसने खाना मेरे लिए लाया। वो जब खाने को देखा उसमें मांस था, इतना बड़ा टुकड़ा मांस का उजा हुआ। तो मैंने खाने वाले को पूछा लाया कि ये क्या है, उन्होंने कहा मांस है। मैंने कहा मैं नहीं खाता मांस। जब मैंने छोड़ा उसको, उस वक्त मुझे होश आ गया, ओहो मैं सपना देख रहा हूं। अब मैं डेढ़ घंटा दो घंटे साढ़े चार बजे सपना आया था, मैं छह बजे तक इसी फिक्र में रहा कि मेरी सारी जिंदगी में कभी मुझे ऐसा सपना नहीं आया, मैंने मांस मेरे सामने आया हो, ये आया क्यों, दिमाग नहीं काम कर रहा। फिर पता लगा क्यों आया। मैं 1918 में लड़ाई पर जा रहा था, सेकंड क्लास पैसेंजर था। तो वहां मेरे, मैं वेजिटेरियन था, तो मेरे लिए बस में खाना खाता वेजिटेरियन डिश आ गई, उसमें आलू थे। जब मैं खाने लगा तो उसका शोरवा जो था उसमें मच्छी के टुकड़े थे। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या, उनके ये मच्छी के टुकड़े, ये वेजिटेरियन होती है। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं थाली उठा के फेंक। वो जो उस वक्त का गुस्सा मैंने किया हुआ था वो मेरे मस्तक पर रहा। 50 साल के बाद उसका संस्कार मेरे दिमाग में आया। हम लोग जो कुछ सोचते हैं, करते हैं, ख्याल करते हैं, विचार करते हैं, इसका संस्कार हमारे मस्तक पर रहता है। इस जन्म में फिरेगा, दूसरे जन्म में फिरेगा, तीसरे जन्म में जरूर फिरेगा। हम उससे बच नहीं सकते। तुम देखो, जब भीष्म पितामह कितना ब्रह्मचारी था, कोई उसने पाप नहीं किया था, 6 महीने बानों की सेजा पर रहा। इतिहास बताते हैं ना, तो श्री कृष्ण महाराज गए, उन्हें क्या, कृष्ण जी मैंने 100 जन्म तो देखा, मैंने कोई पाप नहीं किया, ये मुझे क्या हो गया, सूली पर टंगा हुआ हूं मैं, ना प्राण निकलते हैं ना कुछ पता है, सीखें चढ़ी हुई। वो कहता है 1-2 जन्म पीछे देख। वो कहता है पिछले 100 जन्म के पहले किसी जन्म में उसने कांटों की चारियों से, कंडेदार जेल होते हैं ना हमारे यहाँ, जिनको कंडे होते हैं बेर के दरख्त के साथ, उसके साथ एक सांप को मारा था। 100 जन्म के बाद उसका संस्कार का फल उसको वहां भोगना पड़ा। सच्चा है कि झूठा है इसका मुझे पता नहीं, हम हिंदू हैं मानते हैं। अच्छा, तुम लोग ये समझते हो राधा स्वामी मत की किताबों का वाणी का पाठ कर लिया सुबह से शाम तक गीता तुमने 2-2 घंटे पढ़ते हो, तुम तर जाओ, कौन मानता। अर्जुन जिसने गीता के 18 अध्याय कृष्ण के मुंह से सुने, भागवत तो ये कहता है कि जब धर्मराज गया है वहां, उसको भी 2.5 घड़ी का नरक मिला, सत्यवादी था, एक थोड़ी सी पायसी की थी, क्या, अश्वत्थामा हता न जानाती नरा या कुंजरा, उसके लिए भी उसको 2.5 घड़ी का सत्संग नरक मिला। तो हम महात्मा लोग जो तुम्हारे अंदर नहीं जाते, अपना प्रोपेगंडा चेले करागे कराते हैं। अगे ये हिंदू फिलॉसफी ठीक है, दावा तो मैं करता कोई नहीं, भगवान की रहा, भगवान जानता, कौन जानता क्या सच्चाई है क्या झूठ है। अगर ये ठीक है तो इन गुरुओं का क्या हाल, कहां गए होंगे ये सब गुरु जो ये कहते हैं, प्रभुकुंडा जी ने कराया कि हम तुमसे नाम ले लो, हम तुमको अंत समय में सत धाम पहुंचा देंगे, कहां जाएंगे ये सोचो। इसलिए मैं सच्चाई का बयान किया और कहता हूं कि मैं संत सदगुरु हूं, सच्चा ज्ञान। इसके मैंने ये नहीं है कि अगर मैं संत सदगुरु हूं तो जो कर्म मैंने किए हैं उनके फल से बच सकता हूं,
अगर मैं संत सदगुरु फर्ज को कह भी देता हूं तो इसके मैंने ये नहीं है कि मेरी मगफिरत हो जाएगी, झूठ है। मैंने जो कर्म किए हैं उनका फल मुझे भोगना पड़ेगा। एक डॉक्टर है, वो एक बीमारी का मुआलिज है, डॉक्टर दवाई बताता है। हो सकता है वो उसी बीमारी में मुबतला हो कि आप बीमार होकर मर जाए, या उसको वो बीमारी हो। समझ गया मेरी बात को कि नहीं है? तो तुम लोग सत्संग में आए, मैंने 3 सत्संग दुसारे पर दिए और आज चौथा दे रहा हूं, क्योंकि मेरे समय ड्यूटी थी। हजूर बाबा सामने ने क्या निर्भय होकर काम कर जा, इस वास्ते निर्भय होकर जा। ए इंसान, तुमको जो कुछ मिलना है तुम्हारे कर। अब ये एक सवाल मेरे आत्मा से पैदा होता है कि भाई कर्म की फिलॉसफी जो इतनी जबरदस्त है, इससे बचा की कोई सूरत नहीं, इससे बचने की कोई सूरत नहीं है। कोई तरीका है बचने का? संत कहते हैं, यकीन है उनकी बात का, मगर अभी मर के देखा नहीं। क्या यकीन है? वो ज्ञान मुझको तुम लोगों से, जब तुम लोगों से मैंने सुना कि मेरा रूप तुम्हारे अंतर जाता है, मरते समय ले जाता है, दुआएं बताता है, पर्चे हल कराता है। अभी हजारी सिंह की चिट्ठी तुमको मैंने बता दी, 3 मंजिले मकान पर वो औरत बैठी हुई थी, वो कहते हैं बाबा तू खिड़की से फांद के आया, अब मैं तो गया नहीं। तो ये साबित हो गया ना कि हमारे मन के अंदर जितने ख्यालात उठते हैं ये माया है, है नहीं। मैं तो गया नहीं खिड़की फांद कर, मैं तो हर भी बयान देता हूं। फिर कौन गया? उसका अपना विश्वास, अपना ख्याल गया। अगर इंसान को ये यकीन आ जाए कि मेरे अंदर जितने ख्यालात पैदा होते हैं, विचार पैदा होते हैं, आशाएं पैदा होती हैं, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ अक्स है। अगर ये यकीन निश्चय हो जाए तो फिर क्या होगा? जब तुम्हारा शीश छूटेगा, जो कुछ रूप रंग तुम्हारे सामने आएंगे, तुम उनको क्या समझोगे कि है नहीं? फिर तुम कहां जाओगे? जो तुम्हारा अपना घर है, प्रकाश और सब। तो फिर मोक्ष किससे होती है? ज्ञान से। क्या ज्ञान? ये ज्ञान मुझको दाता दयाल लिखा करते थे, प्यार छाया से किया, छाया का रूप तुमने जाना नहीं, तुम्हें अपना और माया का रूप पहचाना नहीं। ऐसे शब्द लिखते थे, मगर मेरी खोपड़ी में समझ नहीं आती थी, क्योंकि मैं उनको तंग करता था, रात को जानना चाहता था। उन्होंने मुझे ये गुरुवाई दी और ये कहा था कि जन तुझको सच्चे सदगुरु राधा स्वामी दयाल के दर्शन सत्संगों के रूप में होंगे, और वो हो गए। आप लोग मेरे सच्चे सदगुरु, मैं धर्म से कह रहा हूं, झूठ नहीं बोलता, मैं आप लोगों की इज्जत करता हूं, मान करता हूं। ये राज मुझको तुम लोगों से मिला। कोई महात्मा ये सच्ची बात नहीं कहता, कहने को तो इशारा सभी कर गए। शिष्य ने में गुरु को ये जाने सब लोग, गुरु ने में शिष्य को कोई विरला ही हो, कहने को ये कह गए। स्वामी जी महाराज के पास तुम देखो, किताब में लिखा हुआ, किसी ने लोगों ने बड़ी तारीफ की, हजूर महाराज आपके बड़े प्रेमी हैं, तो स्वामी जी जवाब देते हैं, क्या पता राय साहब सालग्राम मेरा गुरु है कि मैं सालग्राम का गुरु हूं, ऐसा कहा करते, लिखा हुआ है। ऐसे ही दाता दयाल कहा करते थे, जब मैं लाहौर जाया करता था, लोग आते थे बड़े बड़े, मैं तो सीनियर था मामूली, वो कहा करते ये मुझे तारने के लिए आया है, ये मुझे तारने के लिए आया है, ये मेरी मुक्ति करने के लिए आया है, ये वकील है। उस वक्त मैं कुछ और समझता था, अब मैं समझता वो सच कहते थे, जिस तरह मैं अब कहता हूं कि तुम लोगों की दया से मुझे जो राज मिला कि अगर मैं संसार से जाना चाहता हूं, गुण मुड़ के ना हूं, तो क्या तरीका है?
ये ज्ञान कि मेरे अंदर जो कुछ रूप प्रगट होता है नहीं वास्ता है, उसको सत ना मानकर उसमें ना फंसना। तुम देखो सिनेमा देखते हो, स्क्रीन लगी हुई है, वहां औरतें नाचती हैं, कत्ल होते हैं, कोड़े दौड़ते हैं, हवाई जहाज चलते हैं, तो जैसी जैसी सीनरी होती है वैसे तुम देखते हो, तुम आनंद भी लेते हो, खुशी भी लेते हो, आंखों से आंसू भी जारी आ जाते आते हैं कि नहीं सिनेमा के वक्त में। हालांकि वहां ना कोड़े हैं ना वहां हाथी हैं ना वहां वो है क्या अक्सर, तो जो जो कुछ ख्यालात हमारे दिमाग पर पड़े हुए हैं असल में तो फूटते वो हैं, हम उनको सत मानते हैं और दुखी होते हैं और सुखी होते हैं। तो तुम लोग आते तुमको जो कुछ मिलता है ये तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है, सब्र से बर्दाश्त करो, उसका उपाय भी है। उपाय ये है आशावादी रहो, ख्याल को अच्छा रखो, जहां तुम्हारा इष्ट है जिसको भी तुम मानते हो उसको पूर्ण मानो। मैं ये नहीं कहता तुम मुझे मानो, उसको ये मत समझो वो फकीर चंद वर्ग मत्सराम का लड़का है या महर्षि शिवव्रतलाल धाम के रहने वाला है या बाबा स्वामी सिंह व्यास वाला है। जब तक तुम ये समझते रहोगे तुम्हारा ये चक्कर दुनिया का खत्म नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंग, दुखी हुए संसार में आगे जम का फन, गुरु किया है देह को सदगुरु सीमा ना, कहें कभी क्या दास को से काम। क्योंकि ख्याल की दुनिया है इसलिए ख्याल अच्छा रहा। मीराबाई को यकीन था कि ठाकुरों का प्रसाद अमृत होता है, उसको जहर दे गया असर नहीं किया। क्यों असर नहीं हुआ? क्योंकि उसके ख्याल में भी। तो तुम लोग गृहस्थी विश्वास करो, सबसे पहले ये विश्वास करो मालिक जो कुछ करता है अच्छा करता है, बस एक ख्याल। दूसरे माड़ी बात कभी मत सोचो, हमेशा पूर्वमैद रहो, ये दुनिया की बात है, पूर्वमैद रहो, जो करिया सो फैला, जो कुछ हो रहा है उसमें कोई ना कोई अच्छाई है, हमको पता नहीं उस वक्त हमको नहीं पर पीछे से पता लगता है कि इसका नतीजा अच्छा निकला। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? तो आपको गृहस्थ की बात बता दे, आशावादी होके जियो, पूर्वमैद होके रहो, हमेशा विश्वास रखो मालिक जिसको तुम मानते हो उसका तो कोई रूप नहीं, उसके तो सब रूप हैं, एक रूप को मानो। हमारे हिंदुओं में ये दुख है, आज हनुमान को पूजते हैं, परसों राम को, चौथ कृष्ण को, परसों बाबे वजीर को, चौथ बाबा सावन सिंह को, धोबी का कुत्ता न घर का न खाट का, कहीं का नहीं कहते। तो संत इस वास्ते कहते हैं, ऐ इंसान, हिंदू कहते हैं, तू सावित्री शब्द ब्रह्म और पार ब्रह्म को मान, मगर वहां हर एक आदमी जा नहीं सकता, मेंटेलिटी लो है, बुद्धियां समझ नहीं सकती, तब भी तुम आशावादी हो गए। तो आज शब्द का पढ़ो लालिका है, पूरे हुए संसार में पर घट गुरु से ज्ञान लो। ऐ दाता मेरी तकदीर मेरे कर्म राम की तराश में आपके चरणों में ले गए, लाहौर 1905 याद आता है, आपने बड़ी दया की, जो काम आपने बख्शा मेरे कल्याण के लिए था मैं काम कर चला, ठीक किया मुझे पता नहीं, गलत किया मुझे पता नहीं, मेरी नीयत ठीक है, आपने कहा था चोला छोड़ने से पहले तालीम बदल जाए, हो सकता है दाता मैंने गलती खाई हो, मुझे उसका कोई अफसोस नहीं। तुम लोग आ जाते हो
तुम्हारा एहसान मानता, सेवा करती हूँ, इज्जत देती हूँ, मान देती हूँ। ये जैन साहब आए हैं, इन्होंने 750 रुपए दिए। इसका देने का कारण है इस पर कोई आपत्ति आ गई, मुझे तो पता नहीं, कुछ साल हुए उसकी औरत गई थी मेरे पास होशियार, मैं तो पहचान इसको तो जानता था और इसको नहीं पहचान, ये मुझ पर विश्वास करते थे मेरा रूप प्रगट होता होगा, मुझे तो पता नहीं। तो जब बड़ी देर के बाद उसने ये कहा कि मुझे ख्याल आया कि वो है आदमी, क्या चाहती है, कारोबार फेल हुआ है, कुछ रुपए की इमदाद की जरूरत। मैंने कहा मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं, मैंने अग्रवाल ओम प्रकाश अग्रवाल की चिट्ठी लिख दी यहाँ कि इसका काम देखो, कुछ काम करता है, अगर तुम मदद इसकी कर सको तो कर देना। 500 रुपया मैंने अपने पास से निकाल कर अपने बैंक से ड्राफ्ट अग्रवाल के नाम कर दिया। वो ये उनको मिले, उसने मुझको लिखा 500 आपका है, 500 मैंने दे दिया, 1000 रुपए से काम चलेगा, उसकी आमदनी इतनी नहीं है कि मैं भी हिस्सा लूं, उसका काम बन जाएगा। अब इसका काम बन गया, 500 रुपए उसके वापस कर दिए। अब ये जो इसकी आमदनी होती है 125 रुपया सैकड़ा निकालता है वो मुझे देता है, मैं वो मंदिर में दे देता हूं, मैं वो मंदिर में दे देता। मैंने अपने पास से 500 दिया मंदिर को, इस वक्त तक मेरे ख्याल में कम से कम 2-2.5 हजार रुपया पहुंच चुका होगा। तो मैं किसी भी जगह पर आया, किसी दुखिए की मदद किया करो। देखो तुमको बताता हूं, अगर दुनिया में सुख चाहते हो, आमदन चाहते हो, धन चाहते हो, तो किसी दुखिए की मदद किया करो। दौलत ने तुम्हारे साथ नहीं जाना, अगर जाना है आज मर जाओगे, सब कुछ यहां रह जाएगा, न पुत्रा ने साथ जाना, तीन ने जाना, देव न रिश्तेदार ने जाना, जो तुम्हारे हाथ का किसी दुखी की मदद की हुई है वही साथ जानी है। तुम गृहस्थी हो, तुमको बताता हूं, दौलत दोगे दौलत मिलेगी, प्रेम दोगे प्रेम मिलेगा, इज्जत मिलेगी इज्जत मिलेगा, धन जो कुछ तुम नफरत दोगे नफरत मिलेगी, गाली दोगे गाली मिलेगी, जो कुछ तुम दोगे तुमको वो मिलेगा। किसी हाजतमंद की दुआ लिया करो, कुव्वत ख्याल में बड़ी ताकत है। अगर एक आदमी अपने ख्याल से मुझको बनाकर छोले काट सकता है, ताराचंद का मैंने मिसाल दी थी ना, तुम सत्संग में गए होगे, तो मैंने ताराचंद को क्या दिया, उसका विश्वास बैठ गया, उसके विश्वास ने मेरे रूप को बनाया और उसके साथ सारा दिन छोले काटता रहा, मैं तो गया नहीं, मैं तो गया नहीं। तो अगर भाई तुम लोग अपने मन से बनाते हो रूप बना के काम ले लेती हो, तो अगर मैं या कोई आदमी किसी के लिए भला चाहे तो क्या उसका भला ना होगा, वो भी आदमी है मैं भी आदमी हूं तुम भी आदमी हो। तुम अगर अपने ख्याल से मुझको बनाकर मेरे पास से काम ले ले तो मैं तो होता नहीं, पर्चे हल करा देता है मेरा रूप लोगों के मेज के नीचे बैठकर, मैं तो जाता नहीं। अमेरिका से चिट्ठियां आती हैं कि संडे को मैं वहां उनके उनके सोफे पर बैठ के बातें करता हूं, मुझे तो पता नहीं। तो इससे साबित हुआ कि इंसान के दिल में बड़ी ताकत है, साबित हुआ ना। अगर कोई शख्स सच्चे दिल से किसी का भला चाहे उसको मिलता है। मैं अपनी मिसाल बताता हूं,
میرا لڑکا 200 روپے ماہوار دیتا صرف 250 روپے کٹنی والے بھیجتے 50 مندر کے لیے 200 بھیج دیے 40 روپے درگا دار دیتا 50 ایک اور دیتا یہ میں اپنے گھر میں خرچ کرتا ہوں مجھے جو پینشن ملتی ہے وہ مندر میں دے دیتا ہوں 15 روپے لڑکا میری پینشن دیتا ہے مندر میں 5 روپے میری لڑکی دیتی ہے اب جب اگر اس کٹنی والے کا پیسہ میرے پاس نہ آئے یا درگا داس کا پیسہ نہ آئے گھر کا خرچ 500 روپے ماہوار ہے پونے 500 تو میرا گزارا چل سکتا ہے اچھا جب اس کا روپیہ آتا ہے میں اگر اس کے لیے دعا نہ بھی کرنا چاہوں میں پھٹجی کو میرا من اس کے لیے پلا چاہے گا چاہے گا نہیں مندر میں 4 پیسے آتے ہیں مجھے کو دیتا ہے وہاں جو غریب آدمی ہیں روپ لال وغیرہ اور بیمار رہتے ہیں ان کی سیوا کرتا ہوں ان کے کرموں کو تم لوگ دیتے ہو یہ ان کا بھاگ ہے میرا کچھ نہیں اچھا اب کٹنی والے ہیں 10-7 روپیہ دیتے ہیں 250 روپیہ مہینہ 50 من اب کیا نتیجہ ہے وہ لاکھوں میں کھیلتے ہیں لاکھوں میں کھیلتے ہیں لاکھوں میں اس خرچ کے علاوہ ایک پیسہ روپیہ وہ نکالتے ہیں جو سال کی ان کو کل آمدن ہوتی ہے اس میں سے ایک پیسہ وہ میرے حصے کا نکالتے ہیں تو ہر سال میں 1100, 900 یا 1000 روپیہ وہ سال کے سال چک بھیج دیتے ہیں میں دھام میں بھیج دیتا ہوں ان کو کس نے دیا دعا نے دیا تم کسی دکھیے کی دعا لو ان سادھوؤں کو جو گیروے کپڑے پہنتے ہیں ان کو مت دو ان کے پاس کچھ نہیں تم کو بتا دیتا گرہستیوں کو گرہستی کی مدد کرنی چاہیے ایک میرے پاس وید آیا جلندھر کا وہ آیا میرے مکان پر ستسنگ تھا وہ کہتا بابا جی 12 سال ہو گئے شادی ہوئی ہوئی کو اولاد نہیں ہوئی میں نے کہا کیا کام کرتے ہو وید ہوں میں کیا جب تمہارا ہسپتال کا وقت نہ ہو گاؤں میں رہتے ہو رات کو کوئی دکھی غریب لوگ آئیں ان کے گھر میں جاؤ ان کو دعا مفت دو ان کی دعا لو لڑکا ہو جائے یہ میں نے کہہ دیا میں تو بھول گیا 1.5 سال کے بعد ماسٹر موہن لال کے مکان پر ستسنگ کرایا تھا وہ لڑکا لے کے میرے پاس آیا میں تو کہوں بھائی بابا تیری کیسے دعا تھا اگر آپ نے یہ کہا تھا تو میں نے لڑکا دیا نہیں وہ جو دوسروں کی دعا اس نے لی ہے اس نے ان کی مدد کی خیال میں تمہارے طاقت ہے اسی واسطے میں کہتا ہوں اپنے گھروں میں رہتے ہو خاون بیوی سے نفرت نہ کرے نفرت خاون سے نفرت نہ کرے عورت بھائی بھائی سے نفرت نہ کرے آپس میں کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو برا کرنے کی کوشش مت کرو تمہارے ہی کرم تمہارے ساتھ جائیں گے جو کچھ دو گے وہ دے گا تم دیکھو گھروں میں ہر وقت کولڈ وار رہتی ہے کہ نہیں رہتی تم گھروں میں شانتی کیوں نہ ہو میں آپ کو مثال دیا کرتا ہوں اپنا منہ کاڑا کیا کرتا ہوں میرا ایک لڑکا مر گیا اس کے مرنے کے 2 سال پہلے جب مکان میں بنا رہا تھا 18 روپے منڈی میں میرا جوائی آیا اس نے نقشہ دیکھا کہتا ہے تیرے دو لڑکیاں ایسا مکان بنا کے دو حصے برابر آ جائیں میرے منہ سے نکل گیا تو شکر کر ایک بچ جائے اس کو غصہ لگا اس نے نقشہ اپنے ہاتھ سے کھینچا میں بھابھی کو تار دیتا ہوں اپنی ساس کو پرشوتم داس کے متر میرے انہوں نے اس کو سمجھایا لڑکا میرا بیمار ہوا میرے شیو چرن داس تھا بڑا پارا پولیس کوٹ مہاراجا کا ڈاکٹر اس کو بلایا میں نے اس کو بولا اگر تم راضی کر دو جو کہو دیتا ہوں
उन्हें कहा मामूली फीवर है, ठीक हो जाए, बहुत अच्छा। लड़का एक ही दिन के बाद मर गया। अब मैंने क्यों कहा था, मैं कोई जोशी हूं? ये तो जोशी है, मैं तो जोशी नहीं। मेरे घर में मेरे छोटे भाई के 3 बच्चे पढ़ते थे, वो पैसा नहीं भेजता, 95 मेरी तनख्वाह मिलती, 7.5 कर जाते, 85 मेरे 3 बच्चे, मेरे 3 उसके 6, एक नौकर 7। मैंने गवर्नमेंट नौकरों से कभी अपना काम नहीं लिया, सर्विस मैंने की है कांटे वालों से या दूसरे स्टाफ से, मैंने कोई काम नहीं लिया। नौकर रखता था अपने साथ, या चूल्हा जो स्टची साहब करता था उसको 1.5 रुपया महीना दिया करता था। तो मेरे सारे कहने का भाव ये है, तुमको या मुझको या गुरुओं को जो कुछ भी मिला इंसान को, उसके कर्म का फल मिला। इस वास्ते अपने कर्म को अनुकूल बनाओ। कर्म को अनुकूल बनाना क्या है, हमेशा अपने परिवार का भला चाहा करो। सास तुम्हारी है उसको जो तुम रूखी रोटी फेंक कर देते हो, ससुर की सेवा नहीं करते, ये भाग जो लगाया बिब्बो को, ये मैंने कुछ नहीं किया ना, इसने अपने ससुर की सेवा की, इसने अपने ससुर की सेवा की हुई है। तुम बूढ़े आदमी हो, तुमको मैं तरीका बताता हूं तुम्हें गुजारने का। ये रघुनाथ साहब, मैं जा रहा था ताम, ये हरि स्वरूप मुझे मिलने के लिए दाता दाल का शिष्य था, कहता बाबा दाता दाल तो चले गए, अब जिस गद्दी वाले के पास जाते हैं कहता तुमने कुछ नहीं सीखा, नवे सिरे से चेले बने। मैंने कहा मेरे साथ चल थाम, नौकर मेरे साथ तारीफ रूप गुप्ता मान गया, मैं ले गया। सत्संग का वहम तो वहां दूर कर दिया। जब घर में आया कहता मेरी जिंदगी कैसे, मेरी आंखों से कमजोरी है। मैंने कहा एक बात बताता हूँ, कहने क्या, मैं क्या अपने दिल से कभी मत सोचा करो तेरी नूह खराब है, पुत खराब है, ये है वो है वो है, उनकी सिफ्त किया करो, तेरी नूह भी चंगी, तेरे पुत्र भी चंगे, तेरे पोते भी चंगे, सिफ्तें किया करो, तुम्हें तकलीफ हो जाए तो मैं जमूंगा। 1950 में मैं बगदाद से आया बंगलोर से, तो धर्मेंद्र ने उसकी बाजू पकड़ा हुआ, सोटी पकड़ी हुई रघुनाथ से, तो वहां पीरे मोहन के मकान पर शाह बाबा तेरा इसका बड़ा काम है, सब मेरी सेवा करते। 2 साल उसको अपनी होश नहीं थी, बीच में टट्टी पर इस बिब्बो ने जो कुछ बिब्बो को मिला, मैं कौन पड़ुआ देने वाला, इसके ससुर की सेवा की हुई थी उसका फल उसको मिला। बात मैं जो कुछ कहता हूं तुमको बड़ी सच्ची कहता हूं, मेरी औरत ने मेरे खावन की बड़ी सेवा की हुई थी, बड़ी सेवा की हुई थी, बीमार रहते बहुत सेवा की हुई थी। आप जब बीमार हुई, कुदरत देने वाली थी, लड़का तो बाहर था, एक लड़की नहीं पागल थी, दूसरी की शादियों की सेवा कम करता, मैं तो बुरा आदमी था, ये गोपाल दास को कुदरत ने मेरे साथ लगाया, उसने उसकी 7 साल सेवा की। मेरे पास पैसा नहीं था, गरीब आदमी था, उसने किसी वक्त अपने जेवर दिए थे, मैंने दान करना था कहीं, दाता ने इशारा किया, दाता दयाल ने, तो मैंने कहा फिर दाता दयाल की ये चिट्ठी है, उन्होंने मांगा तो नहीं, इशारा किया है तो तुम पैसा चाहिए, मैंने कहा बैंक में है पैसा दे दो। मैंने कहा वो रुपया तो दाता दयाल तुमको वापस कर गया, मैं तो खरीदूंगा। उन्होंने कहा मेरे पास जेवर है, उसने जेवर दे दिए, मैंने जेवर बेचे वहां भेज दिए। जब शादी की लड़की की आई, उसने कहा तो कर दी थी तू अच्छा है, जेवरी मेरे दे दिए, अब नू को क्या दू और ती को क्या दू, औरतें सब कहती हैं, मगर उसकी शादी ऐसी लड़की की अच्छी हुई तो कहती थी क्या हो गया, मैंने कहा तूने जेवर दिए हुए थे ना, दिए हुए थे, तो तुम गृहस्थी हो, तुमको मैं गुर बताता हूं,
गुरु हुए प्रगट जहाँ में गुरु से गुरु का ज्ञान लो, जहाँ मैं रूहानी दुनिया का ज्ञान देता हूँ वहाँ तुमको दुनिया की जिंदगी का ज्ञान देता हूँ। घरों में प्रेम रखो, शांति रखो, ज्यादा विषा मत भोगो। बात बता देता हूँ, बेशरम हो। आज एक लड़का मेरे पास आया, 18 साल कृपाल सिंह के पास रहा, 18 साल उसकी संगत करता रहा, नाम लिया हुआ है, शांति नहीं है। मेरे पास आया, मैंने कहा तूने अपना ब्रह्मचर्य ज्यादा नुकसान किया हुआ है, इस वास्ते अशांति है, जा। कह रही मुझे ये बात किसी ने बताई नहीं, बताता कौन? इन गुरुओं को तो सिर्फ डेरा बनाने, ज्यादा तादाद में चेले बनाने का खबत है, दुनिया को सीधा रास्ता नहीं बताते। जो नौजवान जिसने अपने ब्रह्मचर्य को छोटी उम्र में खोया है गलत तरीके से, जो ज्यादा विषा कमाता है, अशांति उसके हिस्से में आएगी, कोई रोक नहीं सकता। यह है गुरु ज्ञान जो मैं देना चाहता हूं। ब्रह्मचर्य का ये नहीं कि तुम स्त्रियों को छोड़ दो, ये मेरा भाव नहीं है, ये कुदरती तरीका है, मगर अपने स्वाद के लिए ज्यादा विषय। तुम नौजवान सुन रहे हो, तुमको मैं बता देता हूं सच्ची बात, बुरा लगे या अच्छा लगे, मेरी जिंदगी के तजुर्बात हैं। तो आज क्या वक्त हो गया? अब 10:40 हो गए। तो मैंने 1.5-2 घंटे हो गए, मैंने कोई कसर आपको समझाने के लिए छोड़ी नहीं। अमल करना यह तुम्हारा काम है, तुम्हारे 5-5, 6-6 बच्चे हुए हुए हैं, अब बस करो, अब खत्म करो खेल को। किस लिए चकरा मारते हो, चक मारते हो, सेहत तुम्हारी खराब होगी, बच्चे ज्यादा होंगे, अशांति का सूरत बनेगी, दुखी बनोगे। पर सच पूछते हो, इतना मैं बकवास करता हूं, तजर्बा ये बताता है, सच्ची बात कह दूं, अपने बस की बात है। जिस पर भगवान की दया होती है वो इस रास्ते आता है। लाख किसी को समझाओ, लाख किसी को कुछ करो। इस साल से पिछले साल मैं जब आया, अकल दंग रह गई। एक औरत मेरे पास आई, आंख में फोड़ा, एक लड़की उसकी गोद में, कहती है बाबा जी 6 कुड़ियां आगे हैं, 7वीं ये है। मैंने भी ऑपरेशन कराया, मेरे खामन ने भी ऑपरेशन कराया, बावजूद ऑपरेशन कराने के ये लड़की फिर पैदा हो गई। फिर कभी करना है? हैरान परेशान, क्या खेल है यहाँ आके फिर कहता है बकवास क्यों करना है चंदा, ये सब उस भगवान की इच्छा, मगर मेरा कर्म भोग था, मैंने कह दिया। अब मैं ज्यादा सत्संग नहीं कराना चाहता, इतनी कह देता हूँ, करो पहली कड़ी को, गुरु हुए पर गुरु हुए पर गट जहां में, गुरु से ज्ञान लो, छोड़ दो पाखंड को, गुर मत की महिमा जान लो। अपनी आत्मा से पूछता हूँ तुमको क्या ज्ञान मिला, ये पूछता हूँ अपनी आत्मा से। बहुत कुछ ज्ञान हासिल हुआ, आखिरी ज्ञान ये मिला, तेरी लीला कौन जाने, तू तो अपरंपार है, एक दृष्टि से तेरे दा का दुखियों का बेड़ा पार है। यहाँ आके मुझे शांति मिली, 87 साल का हो गया, मुझे शांति अब कहाँ मिल रही है? बहुत दौड़ा हूँ, बहुत भागा हूँ,
बड़ी किताबों की रिसर्च किया, अपने दिमाग की खोपड़ी खोली हो गई, यहाँ शांति मिली, तेरी इच्छा भगवान को, वो उसी की मौज है, वो खेल करता है करता है, मेरे में मैं थी, उस मैं ने मुझको नाथ नचाया, चेला बना, बाप बना, बेटा बना, अफसर बना, नौकर बना, गुरु बना, वो क्या था, सब माया का एक चक्र था। अब शांति मिल गई, पिछला कर्म है, खास की थी अपना अनुभव क्या जाऊंगा, पता नहीं जो कुछ मैंने कहा ये ठीक है या गलत है। तो आप लोग आए हो दोस्तों, बहनों, भाइयों, मैं अपनी आत्मा से पूछा करता हूँ, What can you do for others? तुम दूसरों के लिए क्या कर सकते हो? शुभ भावना देता हूँ, चाहता हूँ जो मेरे मिलने वाले हैं, मैं मुक्ति नहीं देना चाहता उसके अधिकार, मैं चाहता हूँ तुमको खाने को रोटी मिले, पहनने को कपड़ा मिले, मन को शांति मिले, रहने को मकान मिले। मैंने दाता से प्रेम किया है, जब कभी जाता रोटियों का प्रसाद ले जाता, हमेशा रोटियों का प्रसाद, दूध में मीठा डाल करके, घी डाल करके आटा गूंद लेना, उसकी रोटी पका लेनी, खत्म नहीं होता। तो कई दफा लोगों ने मुझे पूछा कि तुम जब आते हो प्रसाद रोटियों के लेके आते हो, मैंने कहा मैं क्या करूं, गरीब हूं, पेट के लिए रोटी मांगता हूं। सबसे बड़ा दुख पेट का है, नहीं दरिद्र सम कोई दुख दारण। ये बड़े बड़े गुरु जो सोने के कंठे कड़े पहनते हैं, इनको गरीबों के दुखों का क्या पता, क्या हाल है, ये क्या जानते हैं गरीब कैसे दुनिया में दुख काटते हैं, इनको कुछ पता नहीं, ये नहीं जानते हैं। ये नहीं जानते हैं, इनको पता नहीं। हजूर महाराज थे, पोष मास जनरल थे, इनको दुखियों को क्या पता, ये ज्ञान ध्यान की बातें बता गए, ये ठीक है, वो गलत नहीं है, मगर दुनिया में सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो पेट की रोटी है, जिस्म का कपड़ा है। इसलिए मेरा मार्ग ये है, ए इंसान काम कर, दुनिया काम कर, काम जब तक तेरा आखिरी दम नहीं निकल जाता, काम कर। दाता दाल पिछली उम्र में गिद्दड़ बाहे आए, दर्द थी उनके पेट में, सारी रात हम सेक देते रहे, सुबह 5 बजे उठ के कहते हैं अच्छा बत्ती जलाओ, तो मेरे मुंह से निकल गया महाराज अब किसी उम्र है, पेट में दर्द है, आराम करो। मुझे कहते हैं फकीर की दुम, तुमको किसने फकीर बनाया? क्यों जी, मुझे अगर यह पता रह जाए कि मैंने 5 मिनट के बाद मर जाना है तो 3 मिनट तक काम करूंगा, ये राज है, ये राज है। तुम बूढ़े बूढ़े आदमी आए हुए हो, तुमको बताता हूं ये राज है, कभी बेकार मत रहो, काम करो। दाता सुनाम आए, मेरे पिताजी बूढ़े थे, घर में बीमार रहते, तो मैंने कहा महाराज पिताजी बूढ़े हैं, हमने कब शीर छूट जाए उनके लिए कोई हुक्म। वो जगह मुझे याद आती है, चबूते पर बैठे हुए अब भी नजर आ रहे हैं, सामने कुर्सी पर बैठे हुए, मैं नीचे बैठा हुआ था, उन्होंने आंखें बंद कर ली, 5 मिनट तक आंखें बंद रखी, आंख खोली कहते अच्छा मस्त राम को लिख दो। मैंने कहा है जब तक दम ना निकल जाए जितना काम कर सकते उतना करो, जिंदगी मिलेगी जो वास्ते है,
तपस्या करने के लिए, काम करने के लिए, परिवार को पालो, अव्वल खेश बाद दरवेश, वो मूर्ख है जो अपने घर वालों की सेवा नहीं करता और बाबे वकील की सेवा करता है, वो नादान है। मुझे अगर सेवा की जरूरत है तो सिर्फ इतनी है कि मेरे ख्यालात का प्रचार होता रहे, बस, और कोई ज्यादा जरूरत नहीं। या जो दुखी वहां रहते हैं उनकी रोटी का सबाब, उनकी दवाइयों का सामान रहे, मुझको महाराज ने दिया हुआ 2000 रुपया लड़का देता है, गुजारा मेरा चलता है, तो तुम लोग आए तुमको बता देता हूं, पहले अपने बाल बच्चों को पालो, सादा जिंदगी गुजारा करो। ज्ञान देता हूं, आजकल कहते हैं स्टैंडर्ड को ऊंचा करो, बहुत अच्छा, स्टैंडर्ड को जितना मर्जी ऊंचा करो खत्म नहीं होता, लिविंग स्टैंडर्ड को जितना मर्जी तुम बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, ये कभी खत्म नहीं होगा। मकानों को देखो, किस किस किस्म के मकान बन रहे हैं, पोशाकों को देखो, किसी तुम औरतें हो 300-300 रुपए की साड़ी पहनते हो, क्यों नंगे ही चकने आए, 50 रुपए की साड़ी पहनो, वो 4 पैसे बचाते हो, किसी ऐसी औरत को दो जिसके पास नंगे चकने के लिए कपड़ा नहीं है, खुद गर्जी को त्याग दो, पर सर्विस करो, सबसे पहले अपने परिवार को पालो। देखो मैं कितना सच्चा आदमी, मैं ये नहीं कहता तुम मेरी सेवा करो, ना, मैं चाहता हूं तुम अपने परिवारों को पालो, तुम्हारे बच्चे हैं इनके करैक्टर को बनाओ, इनको सच्ची हदायत करो, ये बुरी सोबत में न जाएं, मगर जाएंगे कैसे, तुम कौन सी अच्छी हो, दूसरों की गलतियों को दरगुजर करो, फॉरगिव एंड फॉरगेट। एक जोड़ा मेरे पास आया, एक आदमी आया, उसकी शादी हुई थी, वो मेरे पास आया, कहना बाबा जी, हाँ जी, मैंने अपनी औरत को घर से मार के निकाल दिया। क्यों भाई, तुमने क्या कसूर किया? कहने के जी, मुझे किसी आदमी ने बताया था, जब ये कुआई थी इसका पहले किसी आदमी लड़के के साथ था। मैंने कहा तुमने बहुत अच्छा किया, ऐसी और उसको रखना नहीं चाहिए, बिल्कुल अच्छा किया तुमने। कुछ मिनट के बाद मैंने उसे पूछा, एक बताओ बात, कहने यहां जब तुम कुंवारे थे तुमने किसी लड़की के साथ बुरा भला किया? वो कहता, महाराज मैंने 3 लड़कियों के साथ तालुक जोड़ा। मैंने कहा बेवकूफ, उसने तो एक पाप किया, तुमने 3 पाप किए, तुम ज्यादा मुजरम हो कि वो ज्यादा मुजरम है? उसकी होश ठिकाने आए, कहने क्या करूं? मैंने कहा लड़की को वाइफ 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 को वापस बुला लो, कौन है जो जहां नेक है, कौन है जो भला मानस है, बताओ मुझे, सभी गलतियां खाते हैं, अब वो गलती खाए तो तुम उसको निकाल देना। अब वो जोड़ा बसता है, बाल बच्चे गाड़ा खुश, तो मेरी तो ये तारीफ है, ये क्या सबको राजा सब बस चरण शरण की